जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ कि किसी भी वर्ड्स मीनिंग की शुरुआत आप करते हैं किसी भी लेटर से तो उसके अंत में ए आएगा, और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसको कि मैं 5 पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो पहले पार्ट को चले ज़्यादा देरी में करते हुए शुरू करते हैं। और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पाना है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, इस बात को कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप नोट देख रहे होंगे, स्टार्ट विद एनी लेटर्स एंड विद ए, यानी किसी भी लेटर्स से आप शुरुआत करेंगे वर्ड मीनिंग की तो अंत में क्या आएगा, ए आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपका जो पहला वर्ड है वो है ए। ए मतलब होता है एक, अबाका मतलब होता है केला या एक प्रकार का पटुआ, ठीक है, इसका मतलब केला भी होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अब्बा। अब्बा मतलब होता है सीरिया देश का ऊनी वस्त्र, ए डबल बी ए। यहाँ पे अब्बा का मतलब पिता भी होता है, ठीक है, ऊनी वस्त्र या पिता, ठीक है। यहाँ पे अब्रा का डबरा, अब्रा का डबरा मतलब होता है जंतर मंत्र, यानी जंतर मंत्र, ये एक मूवी भी आई हुई है ना, अब्रा का डबरा, ठीक है। तो अब्रा का डबरा इसका मतलब होता है जंतर मंत्र, ठीक है। अगला है एकोलिया। एकोलिया मतलब होता है पित्त का अभाव, स्पेलिंग होती है ए, यहाँ पे डबल ए नहीं, एक ही ए होता है, ए सी एच ओ एल आई ए, एकोलिया। एकोलिया मतलब होता है पित्त का अभाव। तो ए टू लेकर के, ए से लेकर के और ई तक के वर्ड्स मीनिंग पहले पार्ट में आपको मिलेंगे। हम अपने दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है बी। बी से जो पहला वर्ड है बी डबल ए, बा मतलब होता है भेंट की आवाज़, ठीक है, या फिर मिमियाना होता है। बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म जीवाणु, स्पेलिंग होती है बी ए सी टी ई आर आई ए। बनाना मीन्स केला, बी ए एन ए एन ए। बैसिलिका बी ए एस आई एल आई सी ए, बैसिलिका मतलब अदालत का कमरा। उसके बाद बी ए डबल टी ए, बट्टा मतलब होता है भत्ता। सी कैलेंडुला, कैलेंडुला मतलब एक प्रकार का गेंदे का फूल, स्पेलिंग होती है सी ए एल ई एन डी यू एल ए। कैमरा मतलब फोटो खींचने का यंत्र, स्पेलिंग होती है सी ए एम ई आर ए। कैनुला मतलब धातु की जर्राही, सी ए डबल एन यू एल ए। कैसिया, कैसिया मतलब तेजपात, सी ए डबल एस आई ए, तेजपात जो कि एक मसाला में होता है। सीलिया मतलब होता है बरौनी, सी आई एल आई ए। डहेलिया मतलब डहेलिया का फूल, डहेलिया एक प्रकार का पौधा है, डी ए एच एल आई ए, डहेलिया। आगे है डाटा, डी ए टी ए। डाटा का मतलब होता है डेटा, जैसे कि हम अपनी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो फिर डेटा रखते हैं, या फिर एम बी होती हैं, जी बी होती है, उन सभी को डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो डाटा का मतलब डाटा ही होता है। डिजेक्टा मतलब होता है पशु या मनुष्य का विष्ठा, विष्ठा मतलब आप समझ सकते हैं मल, डी ई जे ई सी टी ए। डियाना मतलब होता है चंद्रमा, डी आई ए एन ए, चंद्रमा, या फिर सुंदर परी। डिक्टा मतलब होता है कहावतें, डी आई सी टी ए। अगला हमारा अंतिम वर्ड है इनेमा, आई एन ई एम ए। इनेमा मतलब होता है बस्ती। आगे है इंटर अल्जिया, इंटर अल्जिया मतलब होता है आंखों में दर्द, ई एन टी ई आर ए एल जी आई ए। आगे है एपीचेरिमा, एपीचेरिमा मतलब होता है तर्क में कारण युक्त अनुमान, स्पेलिंग होती है ई पी आई सी एच ई आई आर ई एम ए। एरा मतलब होता है युग, ठीक है, ई आर ए, यानी युग या फिर काल, ठीक है, युग या फिर काल। अगला है एक्स्ट्रा, ई एक्स टी आर ए। एक्स्ट्रा मतलब होता है अधिक या फिर इत्यादि, ठीक है ना, इट्सेक्ट्रा उसको कहा जाता है, तो एक इट्सेक्ट्रा भी आप लिख सकते हैं, और एक्स्ट्रा मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा की स्पेलिंग जो होती है ई एक्स टी आर ए। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट जो होता है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी का लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू।